हेलो दोस्तों, बैंगन का भरता तो आपने बहुत ही बार बनाया और खाया होगा, लेकिन आज हम कुछ हट के अलग बैंगन का भरता बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत का प्रोसेस जो है वो सेम है, बैंगन में, आलू में या टमाटर में, मिर्ची में हम हल्का सा तेल लगा लेंगे, सरसों का तेल, और इन सभी को भून लेंगे। यहाँ हम बैंगन में चाकू से होल करेंगे और लहसुन की कलियों को अंदर डालेंगे। आप कहेंगे इसमें नया क्या है, हम नॉर्मल जो भरता बनाते हैं उसमें भी इस तरह से करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, शुरुआत का प्रोसेस मैंने जैसे कि कहा कि सेम है, तो लहसुन को इस तरह से बैंगन के अंदर डाल करके लहसुन को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो देखिए, बैंगन में मैंने लहसुन को डाल दिया है, मिर्ची में भी हल्का सा तेल लगा करके, और इन सभी को हम गैस के ऊपर या जो भी सुविधा है आपके पास भुनने की, उस तरह से इस बैंगन को, टमाटर, आलू, मिर्ची सभी को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखते हुए मैं बैंगन, आलू, टमाटर सभी को अच्छे से भून ले रही हूँ, और जो भी चीज़ें हमारी पकते जाएंगी उसे हम आग से निकाल करके बाहर रख लेंगे। तो देखिए, बैंगन और टमाटर भुन गया है, आलू को थोड़ी देर के लिए और हम भून लेंगे ताकि वो अंदर तक एकदम बढ़िया सी भुन जाए। अब बैंगन के ऊपर का छिलका हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसे फटाफट से आप देखिए इस तरह से गरम गरम बैंगन में ही चाकू की सहायता से निकाल लीजिए। टमाटर को भी हम छील लेंगे और मिर्ची को भी छील कर रख लेंगे। अब बैंगन के अंदर भी हमें चेक करना है कि कुछ इसके अंदर है तो नहीं, तो बैंगन को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बैंगन को इस तरह से काट करके अंदर से खोल दीजिए, थोड़ा ये ठंडा भी हो जाएगा और आप चेक भी कर सकते हैं। लहसुन को हमने अलग से निकाल करके रख लिया है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। देखिए, हमारा आलू भी अच्छी तरह से पक चुका, आलू को भी हम छील करके मैश कर लेंगे। गैस देखिए हमारी गंदी नहीं हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल पहले से ही लगाया हुआ था। अब दो प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, और जो हमने टमाटर और लहसुन, मिर्च, इनको रोस्ट किया था उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, साथ ही थोड़ी सी धनिया को। अब आता है इस बैंगन के भरते में ट्विस्ट। तो यहाँ थोड़े से हमने मूंगफली लिए हैं, जिसको इस तरह से दरदरा कूट लेंगे। ये मूंगफली कच्ची ही है, हमने इसे भुना नहीं है। और बैंगन का भरता बनाने के लिए तो राई के तेल का, यानी कि सरसों के तेल का ही यूज करना चाहिए। तो दो चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें जीरा एक चम्मच और थोड़ी सी हींग डाल करके इस मूंगफली को हम भून लेंगे। हमने मूंगफली कच्ची ही ली थी ना, तो इसलिए मूंगफली को यहाँ तेल में हम भून लेंगे। अब जो प्याज काट करके रखा था उसे भी अच्छी तरह से यहाँ पे हम भून लेंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे ताकि प्याज हमारी अच्छी तरह से भून जाए। तो अगर आप चाहें तो बाद में भी नमक डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे पहले ही डाल दिया है। अब लहसुन, मिर्च, टमाटर इनको भी साथ ही डाल देंगे और खूब बढ़िया से यहाँ पर हम मसाला तैयार करेंगे। जब हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएँ तब यहाँ कुछ मसालों को ऐड कर लेते हैं। तो एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच गरम मसाला इसमें डाल करके हम मिक्स कर देंगे। मसाले हमने कुछ अलग नहीं यूज किया है, रूटीन वाला मसाला जो हमारा है वही यूज किया है। अब भुना हुआ बैंगन और आलू इनको भी डाल करके अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया सा बैंगन का भरता इस तरह से बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ग्रीन लहसुन का सीज़न चल रहा है और आपके यहाँ मिल रहा है, तो इसमें हरा वाला लहसुन काट करके ज़रूर डालिएगा, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक करके रख दे रही हूँ। देखिए, बहुत ही टेस्टी सा हमारा बैंगन का भरता बन करके रेडी हो गया है। अब ऊपर से आप हरी धनिया डाल दीजिए, हरे वाले लहसुन को डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा आपका ये बैंगन का भरता तैयार हो जाएगा। तो अब बारी आती है प्लेटिंग की, तो बैंगन के भरते की हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो बैंगन का भरता मैंने प्लेट में निकाल लिया है, ऊपर से कटा हुआ प्याज, हरी धनिया और थोड़ा सा सरसों का तेल ऊपर से डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया सा और टेस्टी सा आपका ये बैंगन का भरता तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये नया और यूनिक तरीके का बैंगन का भरता आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी इस नए तरीके के बैंगन के भरते का मज़ा ले सके। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।